हेलो फ्रेंड्स, आराधिता ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग लगभग ऐसे ही मान चुके हैं कोरोना खत्म हो गया है। आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। मुझे जितना जानकारी है हम टोटली कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से 2 साल पहले कोरोना चीन से ही स्टार्ट हुआ था। वुहान शहर से कोरोना स्टार्ट हुआ था और लगभग 2 साल तक हम लोगों ने सभी ने ही लॉकडाउन झेला था, है कि नहीं? तो फिर से ओमिक्रॉन का न्यू वेरिएंट आ गया है फ्रेंड्स। और जैसा कि होता आ रहा है, चीन कभी भी कुछ भी नहीं बताता है। इससे पहले भी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था चीन ने चुप्पी रखी थी, कुछ भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था हम लोगों को। फिर से ओमिक्रॉन का न्यू वेरिएंट आ गया है और ओमिक्रॉन का न्यू वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन BA.2। और इसके बाद भी चीन अभी भी चुप है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ क्या, चीन कुछ भी नहीं बता रहा है। इससे पहले हम लोगों ने सभी ने ही देखा, न्यूज़ में भी देखा, चीनी पहला शहर ऐसा था जहाँ पर कोरोना लगभग ख़त्म हो गई थी। फिर वहाँ के जो कॉलेजेस थे, स्कूल थे, गवर्नमेंट ऑफिस थे, सब कुछ ओपन हो गया था। बच्चे, इवन छोटे छोटे जो किड्स का जो स्कूल होता है, प्ले स्कूल होता है, वहाँ पर भी किड्स जाने लगे थे। बड़े बड़े हैट पहन कर जाने लगे थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे मगर फिर भी जाने लगे थे। इसका मतलब वहाँ पर लगभग कोरोना ख़त्म हो गया। मगर अभी क्या हुआ है, चीन की हालत इतना ख़राब हो गई है कि अभी लॉकडाउन लग गया है वहाँ पर। हालत इतना ख़राब है फ्रेंड्स, 24 घंटे में 13,000 पीपल कोरोना पेशेंट निकले और उसमें से 9,000 कोरोना पेशेंट सिर्फ और सिर्फ संघाई का। तो सोचिए वहाँ की हालत कैसी होगी। तो इस वजह से वहाँ की संघाई जो शहर है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, संघाई शहर ऐसा है जैसे बहुत बड़ा शहर है, जैसे दिल्ली जितना बड़ा शहर है। और थर्ड पोजीशन में संघाई रहता है टोक्यो, दिल्ली, ये जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा शहर है। और तीसरी नंबर पे आता है संघाई। तो सोचिए संघाई में इतना पेशेंट मिल रहा है तो वहाँ की हालत कैसी होगी। इनकी हालत इतनी बुरी हो गई है फ्रेंड्स, हालत इतना ख़राब है, आप लोगों को बता देते हैं, वहाँ पर सड़कें पूरी सुनसान हो गई है, वहाँ पर सेना तैनात की गई है। जैसे सड़कों पर कोई नहीं निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा मेंटेन की गई है और लॉकडाउन पूरी तरह से लग गई है। वहाँ की जनसंख्या, चीन की जनसंख्या 2,48,00,000, आप लोग सोच सकते हो कितनी जनसंख्या है। और वहाँ की जो मेडिकल स्टाफ है वो सब लग गए हैं टेस्टिंग में, वहाँ पर बहुत ही सख्ती से टेस्टिंग की जा रही है। वहाँ की सड़कें पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ी देख सकते हो और हेल्थ स्टाफ की गाड़ी देख सकते हो, आम जनता वहाँ पर कहीं भी नहीं है फ्रेंड्स। और सड़कों पर रोबोट्स भी तैनात की गई है और रोबोट्स बार बार उन लोगों को चेतावनी दे रही है। तो सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए, हालत बहुत ज़्यादा ही खराब है। सड़कें पर सन्नाटे छा गई है और भीड़ कहीं भी नहीं है। स्टेडियम और ऑडिटोरियम को आइसोलेशन सेंटर में बदल दी गई है। तो सिचुएशन वहाँ की बहुत ज़्यादा ही खराब है। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वाला टॉपिक शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस जब भी स्टार्ट हुआ था तब चीन से ही स्टार्ट हुआ था और चीन से ही आया था, हम लोगों के यहाँ पर भी चीन से ही आया था। तो आप लोगों के साथ आज मैंने ये वाला टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए शेयर किया है, यहाँ पर भी ओमिक्रॉन का न्यू वेरिएंट आ सकता है जैसे पहले बार भी आया था। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कोरोना नाम की कोई महामारी हो सकती है। तो हम लोगों ने भी पहली बार न्यूज़ में ही देखा था चीन की हालत
और फिर हम लोगों को 2 साल तक लॉकडाउन झेलना पड़ा और इस महामारी का सामना करना पड़ा। अभी न्यू वेरिएंट आ गया है फ्रेंड्स, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अलर्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाए, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सावधान हो जाइए। पहले बार भी हम लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते थे, मगर अभी हम लोग जानते हैं, तो इस वजह से आप लोग भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलिए, सैनिटाइजर से हाथ हर वक्त साफ करते रहिए और मास्क कंपल्सरी पहनिए। और बच्चे लोग जो भी स्कूल जाते हैं, अभी तो गवर्नमेंट स्कूल भी ओपन हो गई है, प्राइवेट स्कूल भी ओपन हो गई है, तो बच्चे लोगों के लिए आप लोग सैनिटाइज़र और मास्क कंपल्सरी आप लोग दीजिए, क्योंकि ये वाला वेरिएंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। क्योंकि आप लोग जानते हो, चीन कभी भी अच्छे से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता और कुछ भी बाहर न्यूज़ कुछ भी बाहर निकलने नहीं देता है। इस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि चीन की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो सोचिए, चीन में इतनी हालत ख़राब है, इतनी एडवांस है, तो यहाँ की हालत क्या हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए और इसको थोड़ा ध्यान से कोशिश कीजिए, जैसे थोड़ा मेंटेन जैसे पहले भी करते थे, अभी भी थोड़ा मेंटेन करके चलिए, क्योंकि किस टाइम ये वेरिएंट न्यू वेरिएंट यहाँ पर आ जाए कोई नहीं बता सकता है। तो चलिए, तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। और एक टिप्स बता देते हैं फ्रेंड्स, जैसे कोरोना वायरस के टाइम हम लोगों ने सभी ने विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया था, तो अभी आप लोग ये काम कर सकते हो, बाज़ार में बहुत सारे ढेर सारे विटामिन सी का टैबलेट मिल रहा है, तो आप लोग हो सके तो बहुत सारे खरीद के अभी से ही रख दोगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। आप लोग जानते हो विटामिन सी हम लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो जितनी हो सके विटामिन सी खाइए और बच्चे को भी खिलाइए, और घर में परिवार में जितने भी आप लोगों के अपने हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी से ये वाला टिप शेयर कीजिए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में लीजिए। तो चलिए, जितनी जानकारी थी मुझे, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि डेली डेली हम ब्लॉग दिखाते हैं आप लोगों को, मगर जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है, मैं सोचती हूँ ब्लॉग उस दिन नहीं दिखा कर वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी फ्रेंड्स को सब कुछ नहीं पता होता है, सभी को सब कुछ नहीं पता है, मुझे भी सब कुछ नहीं पता है, मगर कुछ अगर मुझे पता है, अगर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इससे आप लोगों का भी भला होता है और मुझे तो ऑब्वियसली भला होता है, भला करने से भला ही होता है। तो चलिए, जितना जानकारी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बाय।